आप में से किस किस को पढ़ने का शौक है, किताबें पढ़ने का? सो जिस तरह आपको किताबें पढ़ने का शौक है और इसी तरह उसको रीडिंग कहा जाता है, इसी तरह वर्डप्रेस में देर आर स्पेसिफिक ऑप्शंस सेटिंग्स में जिनको हम रीडिंग कहते हैं। हम इनको रीडिंग क्यों कहते हैं? बिकॉज दीज सेटिंग्स मेक द स्ट्रक्चर ऑन हाउ योर व्यूअर्स, योर यूजर्स रीड ऑन योर वर्डप्रेस वेबसाइट। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि द यूजर्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीपल ऑन योर वेबसाइट। दे आर द पीपल हु कम टू योर वेबसाइट एंड गिव यू टाइम। आपके कॉन्टेंट को वो कंज्यूम करते हैं ताकि आप पैसे बना सके। यूजर्स आर एवरीवेयर, दुनिया में हर जगह यूजर्स फैले हुए हैं। कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद में, इस्तांबुल में, लंदन में, यूएस के कोने कोने में यूजर्स आर एवरीवेयर। तो जरूरी है कि आप उनके लिए एक ऑप्टिमल, एक ब्यूटिफुल सा एक्सपीरियंस क्रिएट करें। सेटिंग्स आर द ब्रेन ऑफ वर्डप्रेस, जैसे मैंने आपको बताया था। सो डू नॉट अंडर एस्टिमेट द सेटिंग्स एरिया, बी वेरी केयरफुल, बी वेयर। बताया था मैंने आपको पहले भी कि ये सेटिंग्स एरिया आपने बड़े सोच समझ के एडिट करना है, और ये मैं आपको बार बार कहता रहूँगा, बिकॉज द सेटिंग्स एरिया इज नो जोक। द रीडिंग्स सेटिंग एरिया विल अलाउ यू टू कन्फिगर हाउ योर साइट इज व्यूड। जिस तरह की मैंने आपको पहले बताया कि जब भी आपकी साइट पे कोई आएगा तो सबसे पहले उसको आपका कॉन्टेंट नजर आएगा आपके होम पेज पे। तो द रीडिंग सेटिंग एरिया अलाउज यू टू सेट कि कौन सा कंटेंट आप दिखाना चाह रहे हैं। यू कैन डिफाइन वेदर योर फ्रंट पेज डिस्प्लेज अ स्टैटिक पेज और योर ब्लॉग पोस्ट। स्टैटिक पेज क्या होता है? एक स्टैटिक पेज एक सिंपल पेज होता है जिसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रही होती, इट्स जस्ट देयर। ब्लॉग पोस्ट आर रिवॉल्विंग बेस्ड ऑन रीसेंट कॉन्टेंट। तो आप पे डिपेंड करता है कि किस तरह का कॉन्टेंट आप दिखाना चाह रहे हैं उस एरिया में। और आप ये भी सेट कर सकते हैं कि कितनी ब्लॉग पोस्ट आप अपने होम पेज पे दिखाना चाह रहे हैं। अगर आपने 100 ब्लॉग पोस्ट पब्लिश की हुई है तो आप 100 की 100 होम पेज पे नहीं दिखाना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि उससे आपकी साइट का लोडिंग टाइम बहुत तेज हो जाएगा। तो डू नॉट मेक दिस मिस्टेक, बी वेरी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर डिसाइडिंग व्हाट टू पुट ऑन योर होम पेज। If you configure your site to display a static front page, you can set which page to display and also which page will show your blog post. ये भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने front page के लिए एक specific page को select कर सकते हैं और अपने blog के लिए एक और page को select कर सकते हैं। ये भी आप ही decide कर सकते हैं अपनी site पे। The search engine visibility enables you to block your site from search engines. प्लीज बी अवेयर दैट दिस इज वेरी क्रिटिकल। अगर आपने गलती से ये सेटिंग डिसेबल कर दी तो सर्च इंजन्स विल नॉट बी एबल टू व्यू योर वेबसाइट एंड यू वोंट बी एबल टू डू एसईओ ऑफ योर कॉन्टेंट। सो बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट दिस, और इसको देखें, समझें, पहचानें। जैसा आपको स्क्रीन में नजर भी आ रहा है कि ये सेटिंग्स क्या हैं। जो फ्रंट पेज की सेटिंग है उसमें आप ब्लॉग पोस्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, पेज सेलेक्ट कर सकते हैं। दूसरे सेक्शन में आप अपनी नंबर ऑफ ब्लॉग पोस्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, एंड थर्ड सेक्शन में यू कैन सेलेक्ट द विजिबिलिटी। इस सारी चीज़ों को थोड़ा एब्जॉर्ब करें, देखें कि ये क्यों ज़रूरी है, सर्च इंजन क्यों ज़रूरी है, ब्लॉग पोस्ट का होना क्यों ज़रूरी है। बिकॉज जब तक आप डीप किसी सिस्टम को समझेंगे नहीं तब तक आप उस सिस्टम का पूरी तरह से फ़ायदा नहीं उठा सकेंगे। WordPress is a system, इसीलिए WordPress को content management system भी कहा जाता है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप देखें, सोचें और समझें कि क्यों WordPress की settings को use करना है, कैसे use करना है, कहाँ use करना है। अभी तक हमने बात की journal settings के बारे में। journal settings क्या है? journal settings is a small area which allows you and teaches you how to change different settings on your website, but we are more interested to change the reading settings. Reading setting ko hum kyun change karna cha rahe hain? Because those are the settings
which are displayed for your users and who is the most important segment of the WordPress ecosystem. It is the users. So, pehle hum apni website ko live dekhte hain aur dekhte hain ki yahan content kaise nazar aa raha hai. Aap dekhte hain ek image nazar aa raha hai, kuch posts hain, kafi zyada posts hain balki, aur saath hi saath pages alag se hain. So, I can go to reading settings and yahan pe first of all I can change the site and I can say ki mujhe apni site ke homepage pe blog post nahi chahiye, I want a static page. So, I will click on a static page and I'll click on homepage contact. So, this is a very small example ki main chahta hu ki jo mera contact page hai wo mera homepage ban jaye. So, jab aap apne main homepage pe jaunga, it will show me mere contact page ka content. So, now this has become my home page. Isi tarah agar main apna blog page change karna chahun, to main DigiSkills ko apna blog page bina deta hun. To aap dekhenge ki wo blog page ban chuka hoga. Dekhen ab yahan pe sare blogs nazar aa rahe. So, this is a very simple way in how you can change the blog page. I'll revert this setting aur main apni post ko home page pe le aunga because I like to have fresh content on my website. So now another setting to explore is changing the number of posts. Main chah raha hu ki main sirf do latest posts dikhaun. So I'll change this to 2 and I'll save this and now you can see ki mere home page pe sirf 2 posts nazar aayengi and baki sari posts are now available as pages. Ek last setting jo hai wo hai search engine visibility. Please do not touch this setting. Aap SEO karna chahte hain, aap search engine visibility rakhna chahte hain, isliye aapse request hai isko touch na kare taaki aap search engines ko empower kare ke wo aapki site ko aake scroll kare aur content ko crawl karke rakh sake. So now I want you to go to this website which you are already familiar with, which is DigiSkills.pk. Why? Because I think we are part of this great community. So, jaake LMS pe login karke questions puche humse directly. And let's try to connect. Let's try to learn. Let's try to empower each other. So, we can be successful not individually, but collectively. And Pakistan can progress and prosper.